दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बेल बॉटम पैंट की कटिंग करना बताएंगे, जिसमें ऊपर 2 इंच चौड़ा बेल्ट होगा और दोस्तों नीचे से मोरी लूज होगी और यहाँ से हल्का टाइट होगी घुटने से, ठीक है दोस्तों, जिसे अपने स्ट्रेंज पैंट भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग से पहले आप नीचे स्क्रीन के आप मेजरमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने इस तरीके से कपड़े को बिछाएंगे, अंदर की साइड राइट हो और ऊपर की साइड रॉन्ग हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपने इस तरीके से एक मार्का करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक मार्का कर लेना है। अब दोस्तों ऊपर अपने 2 इंच का बेल्ट लगाएंगे तो अपने 1.5 इंच कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। 1.5 इंच कम करने के बाद में अपने जैसे कि 35 इंच लंबाई है तो 35 पे निशान लगा लेंगे और 3 इंच बॉटम फोल्ड के लिए रखेंगे। अब दोस्तों इसमें अपने हिप्स का चौथे हिस्से पे आसन रखेंगे, तो हिप्स है दोस्तों इसकी 35 इंच, तो 35 का चौथा हिस्सा बनता है चौथाई 9.25 इंच। तो दोस्तों 9.25 इंच रखेंगे अपने आसन, ऊपर से 1/2 इंच कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 इंच का बेल्ट है इसलिए अपने 1/2 इंच यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो 9.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे यहाँ पे 1/2 इंच कम करते हुए। तो अब दोस्तों इन मार्कों को सीधा कर लेंगे। दोस्तों अब इनके बीचों बीच एक मार्का और चाहिए जो कि घुटने का होगा, तो पहले आप इसको इस तरीके से मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे कि ये 25.5 है तो 25.5 का हाफ होता है यहाँ पे 13.25 इंच पे, तो इसके आगे आपको 2.5 इंच ऊपर करते हुए एक मार्क लगाना है जो कि घुटने के लिए होगा। दोस्तों इनके बिल्कुल बीचों बीच में से 2.5 इंच ऊपर की साइड में अपने मार्क करना है, वो अपने घुटने के लिए होगा। तो इस मार्क को भी अपने सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। अब दोस्तों कन्नी को निकालने के लिए एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। कन्नी को निकालने के बाद में अपने इसका थाई है वो 24 इंच है, तो दोस्तों आप हिप के हिसाब से भी मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे 9.25 इंच का मार्क हिप के चौथाई का और 2.5 इंच इससे अधिक, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 11.5 इंच इससे। अब दोस्तों ये स्ट्रेंज पैंट है, ऊपर से इसमें प्लेट वगैरह नहीं होगी, तो यहाँ पे इसको पहले हिप के चौथे हिस्से का मार्क करना है, इसके आगे 2.5 इंच का निशान करना है। तो अब दोस्तों 1.5 इंच इसको पीछे कर लेना है और इसको अब यहाँ पे नाप लेना है। ये 10 इंच आया तो 10 इंच को यहाँ पे लेके आना है। अब कमर है इसकी 31.5, तो 31.5 कमर है। पहले दोस्तों यहाँ पे 1/2 इंच पीछे कर लेना है एक निशान। अब यहाँ से अपने कमर का चौथे हिस्से का निशान करेंगे, 31.5 है तो यहाँ पे 8 इंच से एक सूत कम और यहाँ पे अब 1 इंच मार्जिन के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका निशान आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इनको सीधा कर लेंगे, पहले इसको इस तरीके से, और अब इसको इस तरीके से राउंड कर लेना है फ्लाई के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ से, 11.5 का सेंटर होता है दोस्तों, 6.5 इंच, 6.5 इंच पे निशान करेंगे। अब 6.5 इंच से किनार तक मिल लेंगे, 6.5 और एक सूत ऊपर आ रहा है, 6.5 और एक सूत ऊपर यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और एक यहाँ पे 6.5 और एक सूत ऊपर, साढ़े छः और एक सूत ऊपर यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको ऊपर तक सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो मोरी है वो 17 इंच है, दोस्तों 17 इंच मोरी है, तो 8.5 हाफ होगा, तो 8.5 का 4.25 इंच इस साइड में और 4.25 इंच इस साइड में, तो 8.5 हो जाएगा, तो 17 इंच मोरी का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ये 16 इंच है घुटने से, यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ, तो 16 है दोस्तों, 4 इंच इस साइड में और 4 इंच इस साइड में इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब शेप फट्टी की मदद से अपने शेप करेंगे इसकी,
तो देखिए दोस्तों किस तरीके से शेप करनी है। पहले यहाँ पे जितना राउंड आ रहा है उतना शेप करते हुए इस तरीके राउंड कर लें। अब दोस्तों शेप फट्टी को इस तरीके से रखेंगे और इस मार्के को इस तरीके लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब दोस्तों नीचे की शेप करनी है अपने, तो इस तरीके से शेप फट्टी को रखना है और इस तरीके से मार्के को लगा लेना है। इसी तरह इस साइड में भी रखेंगे और इसी तरीके से इस मार्के को भी लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हल्का सा जैसे ये बन रहा है खड्डा, इसको साफ कर लें, सीधा कर लें। और इस साइड में भी इससे थोड़ा घुटना कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, होने दो, पर इसको सीधा शेप में सही कर लें इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हल्का सा नीचे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्किंग हो जाएगी। और इसकी कमर है 31.5, तो 31.5 अपने यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों इसमें क्रॉस पॉकेट है, क्रॉस पॉकेट के लिए जैसे मार्किंग अक्सर करते हैं वैसे ही इसमें की जाएगी। इसको सामने से दोस्तों सिर्फ ही आधा इंच डाउन करना है, ज़्यादा डाउन नहीं करना, आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों फ्रंट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं और इसके बाद में आपको बैक की कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से कटिंग करनी है। दोस्तों इस तरीके से फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। अब जल्दी से मैं इसकी बैक कटिंग करना बता देता हूँ किस तरीके से बैक की कटिंग करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामने की कटिंग किस तरीके से की गई है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इस कपड़े को घुमा के बिछा लेना है, जैसे कि अभी मैंने इसको पलट लिया है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लीजिए अच्छे से, आप स्ट्रेंज पैंट की कटिंग करना सीख जाओगे, यानी कि बेल बॉटम की। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से बेल बॉटम की कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरीके से इस पे बिछा लेना है। दोस्तों घुमाने के बाद में इस तरीके से बिछाने के बाद में आपको ये मार्किंग को सीधा करना है। पहले दोस्तों इसको इस तरीके से सीधा कर लें थोड़ी दूर तक इस तरीके से, और इसके बाद में इसको भी सीधा कर लें और यहाँ पर इसको भी सीधा करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे अब आपको 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है, यहाँ पे 1.25 इंच, और दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से थाई के मेजरमेंट को पूरा करना है। आधा इंच इस साइड में पहले रोका और आधा इंच इस साइड में रोका। अब जैसे कि यहाँ पे 24 है तो 24.5 में मार्क का कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ से 1.5 इंच को बैक को उठाना है इस तरीके से। बाकी दोस्तों सेम ही कटिंग होती है, इसको अब बिल्कुल पास में से इस तरीके से और आधा इंच मार्जिन वाला निशान भी लगा लें और इसको इस तरीके से सीधा कर लें, ठीक है दोस्तों। अब इसकी शेप देखिए किस तरीके से होगी, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये शेप हो जाएगी इसकी। और इसको हल्का सा क्रॉस कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो हिप है वो 35 इंच है, तो यहाँ पे आधा इंच के पीछे रोकेंगे और आधा इंच इस साइड में पीछे रोकेंगे। 35 हिप है तो 17.5 यहाँ पे हो गया, और दोस्तों यहाँ पे अपने 1.25 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे, यहाँ पे हिप से 1.25 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे। अब दोस्तों कमर के चौथे हिस्से का निशान यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर 31 इंच है दोस्तों, 31.5 है, यानी कि 8 इंच से एक सूत कम, और 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच बैक को जोड़ने के लिए सीट को। अब दोस्तों इसका राउंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से मार्किंग करनी है, यहाँ पे पहले इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके
अब दोस्तों इस मार्के को इस मार्के से आधा इंच नीचे राउंड करना है, यहाँ पे इसकी जुड़ाई होगी और इस पे कटिंग होगी, तो इस मार्के को इस पे मिला के कटिंग करना है। तो दोस्तों इसकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कटिंग करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैंने थाई की लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है ताकि लूज टाइट करना हो तो यहाँ से कर पाएँ, और इस साइड में बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों अपनी पैंट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, इससे पहले आपने बेल बॉटम की कटिंग कभी की है या नहीं की आप वो भी बताइएगा, और आप किस तरीके से कटिंग करने वो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।